अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। जैसा कि आपको पता है कि हम एक्चुअली आखिरी चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7th ऑफ द पेपर है, और वी कैन से दैट दिस इज द लास्ट प्लेलिस्ट ऑफ पेपर ए, और उसके भी कुछ आखिरी लेक्चर चल रहे, तो इसके बाद इंशाल्लाह जल्दी ही आपको बी पेपर स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कपल, कपल हमने पढ़ना है। तो इससे पहले मैं आपको आगाह कर दूं कि हम कहां पहुंचे थे। तो अभी तक आपको पता है कि इससे पहले जो लेक्चर है वो तो इक्विलिब्रियम पे था कि रोटेशनल बॉडी, ये जो रिजिड बॉडीज है इनमें किस प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है। तो वो आपने देखा कि वो एक्चुअली मैकेनिकली इक्विलिब्रियम होता है। एयर मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में आपने रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा, और उसके बाद आपने पार्शियल इक्विलिब्रियम्स की भी बात करी। तो आज जो हमारा टॉपिक जो है कपल, तो ये भी इक्विलिब्रियम पे ही बेस है। तो आपको आगे आगे पता चलेगा कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है और ये कैसे आ जाता है। तो ये जो कपल है, एक्चुअली अगर हम इस वर्ड की तरफ ध्यान दें, ये कपल हमें एक चीज तो आगाह कराता है, वो ये है कि इसका मतलब है जोड़ा। क्योंकि आपने नाम तो सुना ही होगा कपल, तो कपल मीन्स there are two opposite things, are you getting me, which are equal in magnitude, और जो भी हम physics में बोल देंगे two equal forces which are two forces which are equal in magnitude opposite in direction may be called as couple. तो दो forces जिनका magnitude same होगा और direction opposite होगी, इन दो फोर्सेस यानी कि स्पीयर ऑफ फोर्स को हम कपल कब बोल देंगे। इसको हम कपल तभी नाम देंगे, एक ही चीज इन दोनों को कपल बनाता है। वो चीज याद रखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कपल। वो ये है कि आपके पास दो फोर्सेस होंगे, कितने फोर्सेस, दो फोर्सेस, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। तो इसका मतलब है कि टू इक्वल फोर्सेस, बट अनलाइक मीन्स उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर ये F1 है, ये F2 फोर्स होना चाहिए। आप बोलेंगे कि सर इनका तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर ये F1 है तो ये भी F1 होना चाहिए। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि वेक्टर के लिए एक डायरेक्शन भी जरूरी होता है। तो डायरेक्शन गेट्स चेंज तो वेक्टर गेट्स चेंज, आर यू गेटिंग मी। तो यहां पर ये दो फोर्सेस, नो डाउट दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but these are opposite in direction, so two different vectors, so these are two different forces, to inka magnitude same hai, opposite direction hai, to in do forces ko hum couple nahi keh sakte tab tak jab tak ek essential condition na aa jaye, wo ye hai ki ye dono forces ki jo line of action hogi, to line of action aapko pata hai ki force kis line ke along act kar raha hai, wo ye wali vertical line hai, और इस फोर्स की भी वर्टिकल लाइन, लाइन ऑफ एक्शन कैसी होगी, वर्टिकल। तो अगर मैं यम दोनों लाइन ऑफ एक्शन यमन दोन हम फोर्स यमन दोनों फोर्सन हम सेपरेट आस गसन, यानी कि दिस लाइन ऑफ एक्शन, चलो मैं इसका नाम देता हूं L1 और इसका नाम रखते हैं L2। सपोज L1 एंड L2, दीज आर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स F1 एंड फोर्स F2। अगर यम लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड छन गसन के, आई मीन टू से दीज आर सेपरेटेड बाय सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना इनके बीच में, इन लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, देन वी कॉल दैट दिस पेयर ऑफ फोर्स इज गोइंग टू फॉर्म अ कपल। तो कपल क्या करता है आगे पता चलेगा। अब ये चीज आप रखिएगा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द कपल, वो क्या है, वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो मैं इसको लिखता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर यू गेटिंग मी। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक और नाम है, उसको बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। क्या है, इसको हम एक और नाम देते हैं, वो है आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल। तो इसका मतलब है कि एक कपल, एक पेयर ऑफ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू फॉर्म अ कपल अनलेस एंड अंटिल देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट, उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होनी चाहिए, और वी कैन से इन द सिंपलेस्ट वे दैट देयर लाइन ऑफ एक्शन शुड बी सेपरेटेड बाय सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज कॉल्ड एज आर्म ऑफ कपल। सो इसका मतलब है तब जाके ये पेयर ऑफ फोर्स
एक कपल बनाएगा। अब आप बोल देंगे कि सर समझ में आ गया कि एक कपल में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। हां होता है, क्योंकि एक नीचे की ओर और दूसरा ऊपर की ओर, दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट फोर्स कपल में कितना होता है, जीरो होता है। बहुत अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो नेट फोर्स होता है कपल में, याद रखना ये नोट्स, तो नेट फोर्स इन कपल इज ऑलवेज जीरो। वो कितना होता है, वो जीरो होता है। बट यहां पर लाइन ऑफ एक्शन जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट है, तो इससे एक इफेक्ट आ जाएगा। वो देखिए कि वो इफेक्ट क्या आता है। अगर ये ना होता तब ये कपल नहीं बनाता, तब भी नेट फोर्स जीरो था, मगर तब एक इफेक्ट नहीं आता, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल इफेक्ट। तो ये यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब कि कपल कुछ नहीं करता, ये एक बॉडी को रोटेट कराएगा। तो आप देखेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहां पर लेता हूं ताकि आपको यह क्लियरली विजिबल हो जाए। तो यहां पर मैं अब एक बॉडी लेता हूं, सपोज दिस इज अ बॉडी, एक रॉड है, मासलेस रॉड, आपकी मर्जी आप कुछ भी लेते हैं। सपोज इस पे मैं कपल एक्ट कराता हूं, तो अब आपको पता चला कि कपल किसे कहते हैं। तो यहां पर मैं पेयर ऑफ फोर्स इस पे अप्लाई कराता हूं। देखिए, दिस इज सपोज फोर्स एफ वन, ठीक है, एंड दिस इज द फोर्स F2. These are equal in magnitude but opposite in direction. Are you getting me? So ये force F1 है, F1 vector है, this is force F2. तो suppose जो F1 और F2 है, F1 vector का जो magnitude है वो किसके बराबर होना चाहिए, F2 vector के magnitude के बराबर। तो suppose वो F के बराबर है। सपोज इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यम सुन मैग्नीट्यूड एफ न्यूटन, तो यम सुन मैग्नीट्यूड एफ न्यूटन। क्या यहां लाइन ऑफ एक्शन छा डिफरेंट, बिल्कुल। क्या तुम चाह क्या सेपरेट में क्या डिस्टेंस पर, बिल्कुल। एंड दे विल फॉर्म अ कपल, नाउ दिस एफ वन एंड एफ टू आर गोइंग टू फॉर्म अ कपल। अब देखेंगे कि ये कपल क्या करेगा। तो मैंने आपको बोला कि कपल एक ही काम करता है, वो एक बॉडी को प्योर रोटेशन देता है, वो रोटेशन देता है, बाकी कुछ नहीं करता। आप देखेंगे सर रोटेशन तभी होता है जब टॉर्क होता है, तो इसका मतलब कि यहां पर टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। हां, टॉर्क क्रिएट हो जाता है, तो जो ये कपल टॉर्क क्रिएट करता है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। तो टॉर्क, टॉर्क क्रिएटेड बाय या एक्सर्टेड बाय, टॉर्क एक्सर्टेड बाय अ कपल, कपल इज नोन एज, इसको हम नाम देते हैं मोमेंट ऑफ कपल। क्योंकि आपको पता है कि जो मोमेंट होता है, मोमेंट कुछ नहीं होता, मोमेंट इन फिजिक्स मींस रोटेशनल इफेक्ट, तो इट इज नोन एज मोमेंट ऑफ कपल। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कपल का काम होता है बस एक ही काम, वो क्या है, ये एक प्योर रोटेशन देता है, ये बॉडी को क्या देता है, एक प्योर रोटेशन। वो कितनी रोटेशन क्रिएट करेगा, कितना मोमेंट क्रिएट करेगा, वो यहां पर हम देख रहे हैं। चलो ये एक रॉड है, इस रॉड का नाम है ए बी, सपोज दिस इज इट्स एंड ए एंड दिस इज इट्स एंड बी, आर यू गेटिंग मी। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपको पता चला कि वो कितना है, एफ। नाउ नाउ मैं क्या करता हूं, मैं ये ऊपर लिखता हूं क्योंकि यहां पर ये आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। F1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और मैंने F रखा, सपोज मानते हैं हम ये, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो चलो अब आपको पता है कि ये जो है ये इधर की तरफ घुमाएगा इसको, ये इधर की तरफ घुमाएगा इसको, चलो किसी पॉइंट के इधर इर्द गिर्द तो ये घूमेगा। चलो मैं आपकी मर्जी, ये मैं अभी बोल रहा हूं कि ये पॉइंट भी नोट करिएगा, आपकी मर्जी कि किस पॉइंट के इर्द गिर्द आप इसको रोटेट करेंगे, ये उस पर भी डिपेंड नहीं करता कि वो पॉइंट कहां पे। सपोज मैं वो पॉइंट यहां पे रखता हूं, ओ आर गेटिंग मी, याद रखना ए ओ इज स्मॉलर देन ओ बी, इट डज नॉट नीड, ये जरूरी नहीं है कि ये जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है इस बॉडी को ये रोटेट करेगा, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा कि कपल क्या करता है, ये एक प्योर रोटेशन देता है, क्या देता है, प्योर रोटेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये इस रॉड को रोटेशन देगा। अब किस पॉइंट के मुताबिक वो डिपेंड करता है आप पे, वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, ये पूरा मोमेंट डिपेंड नहीं करता कि आप ये पॉइंट कहां पर ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलो मैं यहां पर लेता हूं इस पॉइंट को, यहां पर ओ पे। तो अब आपको पता है क्लियरली AO is smaller than OB,
एम आई राइट और नॉट? तो इसका मतलब कि ये जो ओ है ये मैंने मिड पॉइंट नहीं लिया, ये मैंने एक इधर की तरफ लिया। क्यों लिया? क्योंकि मैं आपको यहां पर एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं, सुच ये डिपेंड कर नस्नावन कत पॉइंट सहकन सह एक्सिस पे कुछ पॉइंट थे ये डिपेंड करने पे। तो दैट इज वाई वो चीज भी क्लियर करने के लिए मैंने इस पॉइंट को थोड़ा हल्का इधर ले लिया, इसको मैंने मिड पॉइंट पे नहीं लिया। आर गेटिंग मी? तो इसका मतलब कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है। क्या इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है? बिल्कुल। तो सपोज मैं लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा डॉटेड बनाऊ ताकि आपको पता चले कि दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, और आपको पता है कि दो इक्वल फोर्सेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, वो एक कपल को तभी बनाते हैं जब उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होती है, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। माशाल्लाह द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर इज, सपोज इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है? सपोज मैं फर्ज करता हूं कि वो स्मॉल डी है, सपोज स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ दीज फोर्सेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखिएगा, यहां इस डी को हम एक और नाम देते हैं, क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक और नाम क्या है? आर्म ऑफ कपल। तो आर्म ऑफ कपल जो है वो डी है, ठीक है। चलो अब चलते हैं, अब देखते हैं कि फोर्स भी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। आर गेटिंग मी? तो जब फोर्स भी है और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो ये वाला फोर्स क्रिएट करेगा टॉर्क, यानी कि मोमेंट क्रिएट करेगा, इसका रोटेशनल इफेक्ट होगा उस वाले फोर्स का। फोर्स हमेशा रोटेशनल इफेक्ट नहीं देगा, फोर्स तभी रोटेशनल इफेक्ट देता है जब उसकी लाइन ऑफ एक्शन किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पड़े और उस पॉइंट के इर्द गिर्द ये इस बॉडी को रोटेट कराएगा। तो सपोज इस पॉइंट ओ को मैं सेंटर मानता हूं या पिवट मानता हूं, आर गेटिंग मी? सपोज आई थॉट दैट ये जो पूरी की पूरी बॉडी है ये इस पॉइंट ओ के इर्द गिर्द घूम रही है, एम आई राइट? तो इसका मतलब है कि आपको मैंने इससे पहले भी बोला कि रेडियस वेक्टर जो होता है वो किधर की तरफ होता है, जो रेडियस एक सर्कल का होता है वो डायरेक्ट होता है फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द सर्कमफेरेंस। तो यहां पर अगर मैं इसको सेंटर मानू तो ये सर्कमफेरेंस इधर की तरफ होगा, क्या? इसका रेडियस वेक्टर। और इस वाले का रेडियस वेक्टर कहां से होगा? फ्रॉम ओ टू बी, तो इधर की तरफ ये होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इधर की तरफ जाएगा। इसका ये रेडियस बनेगा इस वाले इस फोर्स के लिए, ये रेडियस बनेगा या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी। अब फोर्स भी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, ये इस पॉइंट ओ के मुताबिक टॉर्क क्रिएट करेगा। तो इधर लिखेंगे मोमेंट, मोमेंट ऑफ एफ वन अबाउट ओ। तो दो तरीके मैं यहां पर सिखाऊंगा आपको, और इसके बाद में एक सिंप्लीफाइड वे दूंगा, मगर अभी मैं इसको खोल के दिखा रहा हूं कि ये कितना, ये जो कपल है ये कितना मोमेंट क्रिएट करेगा, ये कितना टॉर्क क्रिएट करेगा, ये कितना रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो इसलिए मैंने पहले इसको अलग अलग से लिया। तो पहले एफ वन का देखते हैं कि इस पॉइंट के मुताबिक ये इसको घुमाएगा तो कितना घुमाएगा, उसका मोमेंट कितना होगा। चलो उसको टाउ वन से लिखेंगे, क्योंकि मोमेंट का काम, मोमेंट का नाम होता है टॉर्क, यानी कि टॉर्क क्रिएटेड बाय द फोर्स। तो टाउ वन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड। आपको पता है टॉर्क क्रिएटेड बाय द फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एफ वन? दैट इज टोटली एफ, बहुत अच्छा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाउ मच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर? ओ ए, एम आई राइट? तो मैं इधर लिखता हूं ओ ए, मैंने इसका नाम नहीं लिया, मैंने बराबर बता दिया आपको दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताइए, टॉर्क इज अ वेक्टर ऑफ स्केल, बहुत अच्छा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब भी आपके सामने एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ेगा। इफ टॉर्क इज अ वेक्टर देन यू शुड नो इज दिस क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट और एंटी क्लॉकवाइज। तो इन द सेम वे अकॉर्डिंगली आपने साइन असाइन करनी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो थंब टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस है तो आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, अगर क्लॉकवाइज होगा तो थंब इज टुवर्ड्स द नेगेटिव जी एक्सिस तो आप टॉर्क नेगेटिव लेंगे। अरे घड़ी में बहुत अच्छा, तो यहां पर देखिए कि ये किधर की तरफ टॉर्क क्रिएट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा क्लॉकवाइज। तो उसके लिए आपको पता है राइट हैंड थंब रूल को लेके आइए, और दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि टॉर्क वैक्टर जो होता है टाउ वैक्टर, टाउ 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 वैक्टर, तो जो टाउ वेक्टर होता है ये आर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर होता है,
होता है कि नहीं, तो ये आपको सब पता है। तो यहां पर मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगा। तो आर से लेके एफ तक आपने राइट हैंड को कर्ल करना है थ्रू द स्मॉलर एंगल, द एफ ओ सॉरी द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द टॉक, सही बात। तो मगर आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट तब तक नहीं करते, क्रॉस प्रोडक्ट तीतिस कालस करने, यीतिस कालस न दोन वेक्टरन हुंद टेल या टेल को इनसाइड गए या हेड और हेड को इनसाइड गए। अगर एक का टेल और दूसरे का हेड को इनसाइड हो रहा है तो आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखेगा यू विल कम टू अ रॉन्ग आंसर, आपको गलत आंसर आ जाएगा, याद रखेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर माशाल्लाह इस रेडियस स्पेक्टर का हेड और इस फोर्स स्पेक्टर का हेड मिल रहा है, तो हेड हेड मिल रहा है, तो यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल इन टू कैलकुलेट द डायरेक्शन या टू मेजर द डायरेक्शन, आप डायरेक्शन को निकाल सकते हैं कि किधर की तरफ होगी, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए कहां से कहां तक करना है, आर से एफ थ्रू स्मॉलर एंगल, ये आर है ये एफ है, तो ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो आपने कि सर ऐसे भी तो घुमा सकते हैं आर क्रॉस एफ, मगर जब आप यहां से इधर की तरफ घुमाएंगे दिस विल बी अ ग्रेटर एंगल एज कंपेयर टू दिस, यहां से यहां दोनों वहीं से वहीं जा रहे हैं, आर से लेके एफ, आर से लेके एफ, बट दिस वन इज द स्मॉलर। सो एज फार एज द डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज कंसर्न, तो आपको पता है कि वहां पर राइट हैंड थंब रूल में आपको पता है कि हम स्मॉलर एंगल के थ्रू जाते, तो ऐसे तो बताइए ये कैसे घुमा रहा है इसको, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये जो आपको टॉक आया इसको आप प्लस लिख लीजिए, अगर कोई प्लस नहीं लिखेगा वो इधर ब्रैकेट में लिखेगा, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, आर्गेडमी याद रखिएगा। तो अब यहां फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आपको पता कि ये वाला फोर्स भी इसी प्रकार से क्या क्रिएट करेगा, टॉक क्रिएट करेगा, मोमेंट क्रिएट करेगा। तो मोमेंट ऑफ एफ टू, इस फोर्स का मोमेंट, मगर किस पॉइंट के अबाउट, मतलब कि किस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कराएगा, अबाउट पॉइंट ओ, ये भी उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करा रहा, तो टाउ टू को नाम देंगे, तो वो किसके बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो एफ है, बहुत अच्छा, तो एफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सर, ओ बी है, ओ बी एम राइट, ओ बी, हाँ अभी ये पता चल गया मैग्नीट्यूड ऑफ टॉक। नाउ द क्वेश्चन इज किधर की तरफ, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेगा, तो हेड और हेड मिल रहा है, तो यहां पर देखिए आर क्रॉस एफ, रेड आर है और ब्लैक एफ है, तो आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ थ्रू स्मॉलर एंगल ऐसे रोटेट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, बहुत अच्छा, तो पॉजिटिव ले लीजिए, अगर आप पॉजिटिव नहीं लेंगे तो यहां पर क्या लिख लीजिएगा, यू विल राइट एंटी क्लॉकवाइज देयर। तो अब मुझे बताओ दोनों फोर्सेस आपके सामने है और दोनों फोर्सेस ने टॉर्क क्रिएट किया, दोनों ने मोमेंट क्रिएट किया, मगर जब दोनों को इकट्ठे लेते हैं तो अपीयर ऑफ फोर्स equal in magnitude, opposite in direction and their lines of action are different or these are separated by some perpendicular distance will make a couple, वो एक कपल को तैयार कर देंगे, तो कपल का काम है rotational effect create करना, moment create करना, तो ये एक force ने moment create किया, ये दूसरे वाले force ने moment create किया, तो आप मुझे बता कपल ने कितना moment create किया, सर कपल में ये भी है और ये भी है, तो दोनों का summation लेना पड़ेगा, are you getting me, तो यहां पर मैं लिखता हूं मोमेंट, अभी तक ये मोमेंट ऑफ एफ बनता है, ये मोमेंट ऑफ एफ टू था, अब हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ कपल, क्योंकि कपल का काम क्या है, रोटेशन क्रिएट करना, तो मोमेंट ऑफ कपल, तो ये कपल कितना रोटेशनल इफेक्ट देगा, तो उसको टाउ से लिखेंगे, तो वो कितना होगा, वो टाउ वन प्लस टाउ टू होगा, तो इनकी साइन आप प्रॉपर ले लीजिएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, तो टाउ वन प्लस टाउ टू, एम राइट, मैं मैग्नीट्यूड उस मोमेंट का लेता हूं, यानी कि ये सॉरी जिससे ये कपल मोमेंट करी क्रिएट, ये रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करी सुकोता है, तो वो टाउ वन प्लस टाउ टू के बराबर होगा, तो हाउ मच इज टाउ वन, इट इज प्लस एफ ओ ए, तो प्लस आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज, कोई मसला नहीं, एफ ओ ए, एम राइट, प्लस हाउ मच इज टाउ टू, इट इज प्लस ओ बी, तो प्लस एफ ओ बी, एम राइट,
तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ कपल। इस कपल ने कितना रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट किया, कितना टॉर्क क्रिएट किया, उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। आप बोलेंगे कि सर इसको इवैल्यूएट करने में मजा आ जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू इसको यहां पर भी एफ है, इस टर्म में भी एफ है, तो एफ को कॉमन करिएगा। बहुत अच्छा, तो ओ ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओ, from the point O to the line of action of the F1, and OB is the perpendicular distance from the again O same point with the and or किसके साथ है वो line of action of the force F2, तो OA plus OB, am I right? तो अगर आप इसको देखेंगे इधर फिगर की ओर, how much is OA plus OB? OA plus OB, sorry it is AB. All right, from the geometry it comes out to be AB, or we can say that it is D. So tau is equal to FD. So bataiye, mujhe yahan par bataiye, ye jo torque ya ye jo moment create kisne kiya, ye moment kisne create kiya, ye ek force ne nahi kiya, ye dono ne kiya, combined effect, usko kya bolte hai? Usko bolte hai couple. To ye couple ka moment hai, ye couple ka torque hai, to usne couple, us couple ne kitna torque create kiya, FD. तो आपने कौन सा पॉइंट लिया था? ओ पॉइंट। इज इट मिड पॉइंट? नो, इट इज नॉट मिड पॉइंट, बट एट द एंड ऑफ दिस, एट द एंड व्हाट डू यू गेट द रिजल्ट? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स एफ। इसका भी मैग्नीट्यूड एफ है, इसका भी मैग्नीट्यूड एफ है, तो टॉर्क हम अच्छे से निकाल सकते हैं। ऐसे कौन निकालता है? तो ये मैंने आपको कैसे निकाल के दे दिया कि इसको मैंने इन्हें सिंप्लीफाइड वे आपको निकाल के दे दिया, मगर आप शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, एट द एंड आपको ये वाली रिलेशन निकली कि टाउ क्रिएटेड बाय द कपल इज इक्वल टू एफ, एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, एंड डी जो मैंने नहीं लिया था, व्हाट इज डी? डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। तो ये याद रखिएगा, तो नाइदर एफ इज जीरो नॉर डी इज जीरो, इनमें से कोई आपको जीरो नहीं है, दैट इज देयर विल बी सम मोमेंट, देयर विल बी सम रोटेटिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब है कि ये जो कपल है ये कुछ नहीं करता, ये एक बॉडी को प्योर रोटेशन देता है। तो बताइए ये कैसे रोटेट करेगा ये कपल इस बॉडी को? ये इस बॉडी को प्लस, ये आ गया टोटल भी प्लस आ गया, तो प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको ऐसे रोटेट करेगा, ये वाला फोर्स धक्का नीचे की तरफ देगा तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ये इधर ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि बॉडी ट्रांसलेट नहीं आज हो जाएगी, ना ऊपर ना नीचे, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। फोर्स का काम होता है ट्रांसलेट करना, और टॉर्क का काम होता है या मोमेंट का काम होता है रोटेट करना। तो यहां पर मोमेंट नॉन जीरो निकला, बट नेट फोर्स जीरो निकला। तो नेट फोर्स जब जीरो है तो ट्रांसलेट नहीं हो जाएगा, बट टाउ इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब कि ये रोटेट हो जाएगा। तो कैसे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। दैट इज व्हाई मैंने पहले ही बोला था इस लेक्चर में कि कपल का काम क्या होता है, कपल का काम होता है कि एक बॉडी को प्योर रोटेशन दे दे। तो वो आपने देखा कितने अमाउंट ऑफ रोटेशन देता है ये, या कितना मोमेंट ये क्रिएट करता है एफ इंटू डी। तो टॉर्क क्रिएटेड बाय द कपल, आप मुंह जबानी आज के बाद याद रखिएगा, वो किसके बराबर होता है? एफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स। आप बोल देंगे कि सर वन ऑफ द फोर्स क्यों लिखा? क्योंकि दोनों का सेम होता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इंटू डी, ये मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, इनटू डी। व्हाट इज डी? डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनटू आर्म ऑफ कपल। तो अब आप फटाफट निकाल दीजिए, जब भी आप कपल देखेंगे, तो अगर कोई बोलेगा कि ये कितना रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करेगा, आपने कुछ नहीं करना, आपने उसमें से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, इंटू करना है उसको किसके साथ? आर्म ऑफ कपल, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो दैट विल गिव यू द मोमेंट ऑफ दैट कपल। अब मसला ये है कि ये किस इक्विलिब्रियम में था, ये कपल किस इक्विलिब्रियम में था? यहां पर अगर आप देखेंगे तो नेट फोर्स जीरो है, बट नेट टॉर्क इज नॉट जीरो। तो नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क इज नॉट जीरो, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें ये जो कपल में, कपल पार्शियल इक्विलिब्रियम में होता है। यहां पर हमने जो देखा कि इस पर नेट फोर्स जीरो होता है, तो यह ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। तो मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था कि हमने इससे पहले इक्विलिब्रियम पढ़े, तो उसका
आज कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, तो कपल इज द स्पेशल केस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अब आप बोलेंगे कि सर ये कपल कहां यूज होगा, आपको नहीं पता, आप डे टू डे लाइफ में क्या कपल ही यूज करते हैं? आप बोलेंगे सर कहां पर यूज करते हैं? आपको मैं यहां पर बता दूं, अगर मैं आपको अभी आपको बता दूं कि मुझे इस मार्कर का ये जो यहां पर कैप है इसको खोलना है, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो सिंपल है, आप इसको ऐसे और इसको ऐसे, यहां पर देखिए यहां ऊपर और यहां नीचे, जब आप एक बोतल होती है ना आपके सामने, तो जब आपको उसका लिड खोलना होता है, लिड, तो आप क्या करते हैं वहां पर, आप एक्चुअली वहां पर कपल अप्लाई करते हैं, जो लिड होता है, तो यहां से आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, यहां से आप इस डायरेक्शन में, दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड एंड दे विल फॉर्म अ कपल, एंड कपल का काम है वो लिड को इधर धक्का नहीं देगा, इधर धक्का नहीं देगा, वो लिड को रोटेट करेगा, क्योंकि कपल प्योर रोटेशन देता है। तो इट इज द कपल विच इज यूज टू ओपन द लिड ऑफ द बोतल, इट इज द कपल विच इज यूज टू ओपन द टैप। तो जो आपका टैप होता है, नल होता है, तो आप वहां पर ऐसे होता है उसकी जो एंड, जो आपने देखा होगा कि उसका ऐसा होता है कि जो टैप ऐसे होता है, इस प्रकार का होता है, तो आप क्या करते हैं, आप यहां से इस डायरेक्शन में, यहां से इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर ऐसे, तो वो ओपन हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप मेरे हाथ को देखिए, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो दिस इज अ पेयर ऑफ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे विल फॉर्म अ कपल, एंड कपल का काम होता है रोटेट करना, ये एक रोटेशन देगा। या आपने देखा होगा कि ड्राइवर जो होता है उसके सामने जो स्टीयरिंग व्हील होता है, तो वो वहां पर कपल अप्लाई करता है ताकि वो गाड़ी को घुमाए, जो नीचे वाई व्हील्स लगे हैं उस गाड़ी के, तो उनको रोटेट करना। तो कैसे करता है वो, ये देखिए, ये उसका स्टीयरिंग व्हील है, अर्गडमी, तो वो ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे जैसे आप मान लीजिए कि मैं एक ट्रक चला रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे धक्का दे रहा हूं, इसको मैं ऐसे धक्का दे रहा हूं, तो दीज आर टू इक्वल फोर्सेज अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दी आर लाइन ऑफ एक्शन इज सेपरेटेड बाय द डायमीटर ऑफ दैट स्टीयरिंग व्हील, उस स्टीयरिंग व्हील के डायमीटर, क्योंकि डायमीटर इज व्हाट, डायमीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। आप बोलेंगे कैसे, तो इसके लिए सिंपल ज्योमेट्री है, क्योंकि डायमीटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और जो आप स्टीयरिंग व्हील पे फोर्स अप्लाई करते हैं वो टेंजेंशियल है, आर यू गेटिंग मी। तो इसके लिए जल्दी फटाफट में बोल दिया कि जो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ड्राइवर को मिलेगी वो है डायमीटर, तो मैं इधर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में, तो ये एक कपल बनाएगा, तो वो रोटेट हो जाता है। तो ये चीजें हैं कपल के, कुछ एग्जांपल मैंने बता दिए कि ये कपल कहां पे यूज करते हैं और कैसे बनता है और इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि प्योर रोटेशन देना, और कितनी अमाउंट ऑफ कितना मोमेंट ये क्रिएट करेगा वो तो आपने देखा कि उसका मैग्नीट्यूड हमें साफ साफ पता चलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और आर्म ऑफ द कपल, उनकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यू विल कैलकुलेट द टॉर्क exerted by that couple, or we call that as the moment of the couple. Are you getting me? तो अगर आपको ये चीज उतारना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके ये उतार सकते हैं। तो आपको मैंने ये भी बोला कि ये इस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, जो कपल है, जो ये कपल होता है कि इसका मोमेंट कितना निकला, कि ये कितना रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करेगा, वो डिपेंड नहीं करता कि आप किस पॉइंट के इर्द गिर्द इसको घुमा रहे, चाहे वो बीच में होगा, चाहे वो एंड पे होगा, चाहे वो किसी एक एंड के करीब होगा, ये डिपेंड ही नहीं करता इस पे। तो इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ द कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो ये डिपेंड ही नहीं करता कि आप कहां पर पॉइंट ऑफ रोटेशन रखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने ये यहां पर लिया था एट ए डिस्टेंस ओ ए फ्रॉम द एंड ए एंड एट ए डिस्टेंस ओ बी फ्रॉम द एंड बी, बट एट द एंड आई गेट द डी एंड डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओ ए एंड ओ बी, इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ओ एंड ओ बी। तो ये बीच में लेता तो फिर भी ये यही आता, ये यहां पर लेता ये ओ तो ये फिर भी यही रिलेशन आती। तो इस पॉइंट से, इस रिलेशन से हमें ये पता चला, ये ना हाल डिपेंड करने के जी ये पॉइंट का अध्यक्ष, आर गेटिंग मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा इस पॉइंट को। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, शुक्रिया।